हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख चुके होंगे क्या फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, तो चलिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी कर लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ कैरी करना है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लिया था उसमें बता दिया था। और जो सेकंड शिफ्ट में सारे बच्चे लोग बता रहे थे कि एग्ज़ाम इंटरफेरेंस इस बार चेंज हो गया। अब एग्ज़ाम इंटरफेरेंस मतलब कि आपको एग्ज़ाम में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, मतलब वह आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऊपर में इंग्लिश लिखा रहेगा और नीचे में उसी का हिंदी वर्जन लिखा रहेगा, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन शो हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस कैसा रहा एग्ज़ाम का क्वेश्चन। तो पहले हम क्वांट्स की बात कर लेते हैं। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स का पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें पहले हम लोग देखते हैं मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज आए थी जो कि 5 मार्क्स की आई थी, 5 नंबर, जो कि बहुत ही इजी थी। इजी बोले या आप लोग बोलते हैं हलवा बोलिए, हलवा बोलिए, चलिए हलवा बोल देते हैं, इजी या हलवा थी। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो आई थी आपकी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 से आई थी, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। अब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में आया था क्या, 1 ग्रेटर देन 2 है या 1 लेस देन 2 है या 1 इक्वल टू 2 है, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। इसके बाद 6 क्वेश्चन जो आई थी वो आई थी टेबुलर DI बेस्ड आई थी, टेबुलर DI बेस्ड आई थी, जिसमें आपको ए बी दिया हुआ था, मतलब ए बी स्टूडेंट्स दिए हुए थे और पार्टिकुलरली कुछ ईयर दिया हुआ था। इसके बाद 6 क्वेश्चन जो आया था वो आया था बार ग्राफ से, वो बार ग्राफ से आया था। बार ग्राफ के बाद 5 क्वेश्चन आपको इस जो शिफ्ट है इसमें अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला था, अप्रोक्सीमेशन देखने को मिला था जो कि काफ़ी इजी था अप्रोक्सीमेशन। मैं आपको आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप का अप्रोक्सीमेशन आया था। और जो बचे 13 नंबर, 13 को जो क्वेश्चंस हुए मतलब 13 मार्क्स के, उसमें आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने को मिला था। अर्थमेटिक क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। तो मैं आपको सारे शाम को क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें सारे एक सेशन ले लूँगा, उसमें जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि कल के बच्चों के लिए और बेनिफिशियल हो। तो ये ज़्यादा जो शिफ्ट का एनालिसिस करा रहा हूँ ये आगे जितने भी शिफ्ट्स होंगे तो आप लोग समझिए इसी टाइप का पैटर्न रहेगा। तो इसके बाद मैं रीजनिंग में आ जाता हूँ, रीजनिंग का देख लेता हूँ। रीजनिंग में आपको कितने, यानी कि कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और रीजनिंग में कैसा था पेपर। तो रीजनिंग में पहले मैं बता दूँ, स्क्वायर पजल आया था। पजल कितने आए थे, पजल 4 आए थे। स्क्वायर आया था, स्क्वायर पजल आया था जिसमें 4 इन थे 4 इन थे और 4 आउट थे, मतलब जो मिडिल वाले साइड में बैठा वो आउट है और जो कॉर्नर में है वो इन है। 5 स्क्वायर पजल आया था, स्क्वायर पजल। इसके बाद हम लोग बात करें तो फ्लोर पजल में आपके 8 फ्लोर था जो कि 5 मार्क्स का आया था। उसके बाद एज बेस्ड पजल आया था देखने को मिला था, एज बेस्ड पजल जो कि एज बेस्ड होता है 1989, इसी तरीके से एज बेस्ड पजल आया था जो कि 5 मार्क्स का था। और डे बेस्ड पजल आया था, डे बेस्ड पजल आया था जो कि डे डे थे आपके मंडे से लेकर के संडे तक, मतलब 7 डेज का पजल, 7 डेज थे उस पर बेस्ड पजल आया था जो कि आपके 5 मार्क्स के थे। तो पजल तक तो आ गया था। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में 5 इनइक्वालिटी के आए, इनइक्वालिटी आया था जो कि बहुत ही ईजी थे। और सिलोलिज्म आपको फर्स्ट शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था बट सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला था, क्योंकि मैं आप लोग को बता दिया था सिलोलिज्म आपको सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो उसी तरीके से सिलोलिज्म देखने को मिला है। इसमें मैं बता दूं ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन ओनली अ फ्यू के आए थे और नॉर्मल वाले क्वेश्चन जो आए थे, नॉर्मल जो क्वेश्चन आए थे वो 3 आए थे, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इससे आए थे। ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे और पेयरिंग ऑफ लेटर्स आए थे, पेयरिंग ऑफ लेटर्स आए थे, पेयरिंग ऑफ लेटर्स आए थे
और अल्फा न्यूमरिक से क्वेश्चन आए थे जो कि 5 क्वेश्चन, तो मिला जुला के 40 नंबर के ये आपके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे ये मैं बता दिया। इसके बाद सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो क्वांट्स में बहुत सारे, मैं पहले आपको ये बता देता हूं। चलिए, बहुत सारे बोलते हैं कि क्वांट्स में सेफ अटेम्प्ट्स होना चाहिए 28 से 30, लेकिन मैं आपको सेफ अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ। तो सेफ अटेम्प्ट्स मतलब आपका सेफ स्कोर वहाँ पे लाई करना चाहिए, मींस मिनिमम कट ऑफ को पार करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि पेपर जो है वो मॉडरेट से मॉडरेट पेपर था, मतलब हम इसको जज करें तो मॉडरेट टू टफ था, लेकिन बहुत सारे साइट्स क्या बताते हैं ईजी। इससे क्या होता है, बच्चे तो यहाँ से घर से देख के आते हैं ईजी पेपर आ रहा है, बाद में मॉडरेट देख लेते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। तो आपको मैं बोलूँगा पेपर जो आ रहा है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। अगर इजी लेवल का आता तो डायरेक्टली हम बोल देते 40 में 40 करके आना है आपको, 40 में 40 कर लेके आना है। बट पेपर अभी मॉडरेट आ रहा है, इसलिए सेफ अटेम्प्ट आपका जो होगा क्वांट्स में वो 32-33 होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा आप कोशिश कीजिए कि 30 तक अपना टच करें सेफ अटेम्प्ट को। इसके बाद रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में आपके सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए 35 to 37 आउट ऑफ 40, तो ये आपके सेफ अटेम्प्ट्स होंगे रीजनिंग के। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं नंबर सीरीज के, तो मैं आपको नंबर सीरीज के यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 4, 8, 9, 14.5, 30, उसके बाद यहाँ एक्स, यहाँ देख रहे हैं आप लोग कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पता कर सकता हूँ 0.5, 0.5 + 1, यहाँ (1+1), तो ये पैटर्न से था तो ये इजी था। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन मैं लिया हूँ 121, 123, 118, 128 x, 137 एक्स आपको फाइंड करना है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का 77, 85, 69, 101, 37 और एक्स, तो एक्स फाइंड करना है आपको। इसके बाद है 20, 29, 54, 103 और 184 और एक्स। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 7, 8, 18, 57 एक्स, उसके बाद 1165। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको सॉल्यूशन शाम को एक अलग से सेशन लूँगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए कि सेशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे मैं लूँगा। तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए। वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए ये कैसे हुआ, 7 × 1 + 1, ये क्या है 8 × 2 + 2, इसी तरीके से 8 × 3 + 3, 18 × 3 + 3, तो ऐसी तरीके से 57 क्या क्या होगा × 4 + 4, तो एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 5 एप्रोक्सीमेशन का भी क्वेश्चन दे देता हूँ। एप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे 784.01 + 7.142 + 351.99 × 24.98% का वैल्यू क्या होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 15.33 to the square + या माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा 12.94 square + 22.06 square - 35.65 और यहाँ एक्स, तो एक्स फाइंड आउट करना है आपको। और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 24.002 × 14.005 - 7.995 × 59.64, तो एक्स फाइंड करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। तो आप जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग एक बार पेन कॉपी लेके सॉल्व करिएगा ज़रूर। 2.99 / 3.99 × √511.99 + 123.4% ऑफ 650 + 11 = एक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 257.17 + 187.99 एक्स,
इक्वल्स टू 49.98 टू द पावर स्क्वायर प्लस 30.99। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन मैंने बताए अप्रॉक्सीमेशन के हैं, तो मैंने आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस का बता दिया हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द जो भी आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स को। चलिए, थैंक यू।